गाइस, स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले एक और नए प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको जो है आपको बनाने में मज़ा आएगा और मुझे आपको बताने में। तो आज जो है ना, जो प्रोजेक्ट आज हम लोग बनाने वाले हैं वो रिलेटेड है डोरबेल से। अब एक पल के लिए आप लोग को भी मन में आ रहा होगा ये डाउट कि आखिर भाई डोरबेल से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आर्डुइनो रिलेटेड डोरबेल आखिर उसमें करा क्या जा सकता है। कोई मतलब कोई गाना उना बजाना, या फिर ऐसा करना कि आईआर सेंसर से ये डोरबेल बजना, तो वैसा कुछ नहीं है। आईआर सेंसर हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में, लेकिन जो है डोरबेल का सिस्टम जो है बहुत ही अलग होगा। इसमें जो है साउंडलेस होगा, मतलब जैसे आप नॉर्मली जो डोरबेल में जब बटन दबाते हो तो आवाज़ करता है, तो इसमें जो है आवाज़ नहीं करेगा। आज हम लोग बनाने वाले बहुत ही एपिक वाला प्रोजेक्ट, तो चलिए फिर वीडियो चालू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं सामग्री जो जो नीडेड है इस प्रोजेक्ट के लिए उसके बारे में। तो चलिए फिर स्विच हो जाते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप स्क्रीन। तो देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसमें मैं आईआर सेंसर यूज़ करूँगा। तो ये रहा हमारा आईआर सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर। और वायर्स तो चाहिए होंगे, मैंने यहाँ तीन वायर्स लिए है क्योंकि इसे तीन वायर ही चाहिए रहता है। देख लो वायरिंग डायग्राम, एक मिनट, ऐसे में वायरिंग डायग्राम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार मैं बता देता हूँ। ये पिन जो है, ये है आउटपुट पिन, ये मिडल पिन है जीएनडी, और ये है थर्ड पिन वीसीसी। तो हम लोग इसीलिए तीन यूज़ कर रहे हैं, एक आउटपुट के लिए और दो पॉजिटिव नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब मैं बजर लाऊंगा, तो नहीं, मैं बजर नहीं लाने वाला हूँ। और या फिर आप सोच रहे होंगे कोई अब आर्डुइनो आएगा, आर्डुइनो ऊनो या आर्डुइनो मेगा, तो अगर आप वो सोच रहे हो तो आज वो भी गलत आंसर है। आज जो है हम लोग दूसरा चीज़ यूज़ करने वाले हैं, आज हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। देख के समझ में आपको आ गया होगा, ये है नोड एम सी यू वाई फाई बोर्ड ESP8266। तो आज हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो मैं एक बार पूरा वर्किंग बता देता हूँ कि कैसे क्या वर्क करने वाला है। ये जो है ना, ये हमारा स्विच का तरह वर्क करेगा। ये जो है हमारा नोड एम सी यू बोर्ड, ये चेक करते रहेगा कि ये जो है ऑन है या ऑफ है। अगर मैं ऐसा प्रोग्राम करूँगा कि अगर हमारे मतलब आईआर सेंसर के आगे हाथ है तो ये ऑन रहेगा, और ऐसे में ये ऑफ स्टेट में रहेगा। तो जब ये ऐसे रहेगा ना, मतलब ऑन रहेगा, तब क्या करेगा ना हम लोग का ये नोड एम सी यू, हम लोग के फ़ोन में एक मैसेज भेजेगा कि कोई जो है हम लोग के गेट पे है, तो जाके आप खोलो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये बहुत ही सही लगा, क्योंकि अगर आप मान लो कोई रूम में हो और अगर गेट बंद है आपका, मतलब आपके रूम का गेट बंद है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बेल का जो है आवाज़ जो है सुनाई नहीं देता है, तो उस वक्त में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसीलिए इसे सेटअप करने वाला हूँ, तो बहुत ही आसान है। तो पहले मैं कनेक्शन समझा देता हूँ। ये जो है हमारा जीएनडी पिन, वो जाएगा जी पिन में, इसमें जी पिन होता है, ये ESP8266 में ये जी पिन है। फिर इसका वीसीसी पिन जो है इसमें 3 वोल्ट पे जाएगा, और इसका आउटपुट जो है वो जाएगा हम लोग के नोड एमसीयू के D1 पिन पे, देख सकते हो D1 पिन पे। तो हम लोग ना इसको सेटअप करेंगे एक ब्रेडबोर्ड पे। तो इसके लिए जो है, अगर आपके पास वर्जन 3 है तो आपको दो ब्रेडबोर्ड को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉडनेस इसका ज़्यादा है, तो इसीलिए ये एक ब्रेडबोर्ड पर ढंग से नहीं हट पाता है। तो आपको दो ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, जैसे मैं यहाँ ले कर रखा हूँ, तो मैंने इसे बीच पर सेटअप कर दिया। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, इसमें ना जो पिन है आगे, एक मिनट, ये जो पिन आप देख रहे हो इसमें जो है माइक्रो USB पिन लगता है। तो यप, अब हम लोग जो है कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा आउट, ये मेरा है आउटपुट पिन जो कि गया D1 पे, ये है मेरा GND पिन जो कि जाएगा जी पिन पे, और थर्ड पिन मैं लूँगा प्लस 3 वोल्ट में। तब सेटअप हो चुका है, और जो है हम लोग को बस प्रोग्रामिंग करना है। तब हम लोग स्विच हो जाते हैं हम लोग के लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन में, जिसका नाम है ब्लिंक। तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ।
तो आपको मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। तो आप जब अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ एक प्रोजेक्ट नेम अपना रखना है, जैसे मैं यहाँ हिंदी में घर कर देता हूँ। एक मिनट, तो ये मैंने रख लिया अपना नाम प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे जो आपको जाके चेंज कर लेना है नोड एमसीयू पे। तो ये नोड एमसीयू पे क्लिक कर लिया, एक मिनट, अनियन ओमेगा हो गया, सॉरी, नोड एमसीयू, ओके। वाईफाई, आप लाइट थीम चाहते तो लाइट कर लीजिए, या डार्क रखना है तो डार्क रख लीजिए। मैं यहाँ डार्क रख रहा हूँ, और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएटिंग लिखा रहा है, तो आपका ऑथराइजेशन जो टोकन है वो सेंड हो चुका है आपके ईमेल पे। तो मेरे को मेरा ईमेल पे मिल चुका है, तो मैं यहाँ ओके करूँगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपका ईमेल पे आ जाएगा ऑर्थ कोड, तो आपको उस ऑर्थ कोड को जो है अपने कोड पे डालना होगा। तो देख सकते हो यह बन चुका है मेरा घर करके। एक मिनट दिख नहीं रहा होगा इस थिंग, हाँ देखो आप दिख रहा है। तो आपको जो है यहाँ प्लस आइकन दिख रहा होगा, प्लस आइकन में क्लिक करना है, फिर उसके बाद जाके सर्च करना है नोटिफिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ नोटिफिकेशन को क्लिक करता हूँ, इसको लाके सिंपली यहाँ कर देता हूँ, और यहाँ से जो है आपको प्ले बटन दिखेगा, तो आप प्ले पे कर दो। तो यहाँ पे आपको जो है एक एक्सक्लेमेशन जैसा दिखेगा, क्योंकि अगर आपका कनेक्ट नहीं होगा नोड एमसीयू आपका फ़ोन से, तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा। ऐसे में जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं दिखाएगा। तो अब हम लोग कोडिंग स्क्रीन पर अपना स्विच हो जाता है। सो अब हम लोग कोडिंग आया है, हम लोग जो है पहले ब्लिंक का सीरियल मॉनिटर डिफाइन कर लेना है, फिर हम लोग को ESP8266 वाईफाई को इंक्लूड कर लेना है, फिर हम लोग को ब्लिंक सिंपल ESP8266 को भी इंक्लूड कर लेना है, फिर आपको जो है एक कैरेक्टर बनाना है ऑथराइजेशन कोड का, SSID का और पासवर्ड का। तो वो ऑथराइजेशन कोड मैंने यहाँ डाल के रखा है, ये मेरा ऑथराइजेशन कोड है। SSID आपका वाईफाई का नेम, जो आपका हॉटस्पॉट का नेम होता है, और कैरेक्टर पास में जो है आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है। फिर उसके बाद तो वही है कि अगर मेरा बटन दबेगा तो सीरियल मॉनिटर पे रोहन समन इज इन द हाउस प्रिंट होगा, और ऐसे में जो फ़ोन में मेरा नोटिफिकेशन आएगा वो लिखाएगा रोहन कोई है तुम्हारे गेट पे। आप चाहे तो कोई भी दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या तो आप इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ हिंदी यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने पिन मोड D1 को जो है इनपुट बना लिया, और इंटरवल जो है 50 पे सेट कर दिया, 50 मिलीसेकंड पे। तो अब जो है वेरीफाई कर लेते एक बार। तो ये कंपाइल कर रहा है स्केच को, तो कंपाइल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि नोड एमसीयू में ना एक्चुअली आपको बोर्ड डालने के लिए आपको जो है ना कुछ करना होगा, जैसे फाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाके आपको जो है वहाँ एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs मिलेगा। आपको वहाँ पे एक लिंक डालना है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, फिर आप सर्च कर लो बोर्ड मैनेजर में, आपको वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, बस। तो हो चुका है, तो अब हम बोर्ड पे अपलोड कर देते हैं इसे, और अब हम लोग अपने नॉर्मल स्क्रीन पे स्विच कर जाते हैं। सो ये बारी है टेस्टिंग की, तो अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूँ अपना इसको, तो ये अब ऑन हो चुका है। अब आपको अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है, तो ये ऑन हो रहा है। तो वन डिवाइस इज कनेक्टेड, तो ये मेरा बोर्ड कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम लोग होम पे जाएंगे, और अब मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये आ गया मैसेज, रोहन कोई है तुम्हारे गेट पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय।